उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 50,000 लोगों के आशियाने पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है और 7 फरवरी तक अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी जमीन खाली करने का फैसला गलत, मानवीय पहलू को भी देखे सरकार, लोगों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। नीट पीजी 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत मंगलवार यानी 5 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट netboard.edu.in पर लाइव होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 5 जनवरी दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और 25 जनवरी रात 11:55 तक कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। नीट पीजी की परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित होगी जबकि नतीजे 31 मार्च 2023 को घोषित किए जाएंगे। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की एक बार फिर तैयारी कर लीजिए। 6 देशों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में दोनों देशों की टीम को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। एशिया कप 2023 का आयोजन सितंबर में होगा और टूर्नामेंट में कुल 13 मैच खेले जाएंगे। 6 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। एक ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और मेंस प्रीमियर कप जीतकर आने वाली टीम भिड़ेगी तो दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को रखा गया है। फिल्म आरआरआर के लिए दुनिया भर में तारीफें बटोरने वाले डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एक इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में राजामौली को अवार्ड लेते देख लोगों ने खूब तालियां बजाई। वहीं राजामौली ने जूरी और दर्शकों को उनकी फिल्म के प्रति प्यार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज के दौरान दर्शकों के चेहरों को स्कैन करने को भी याद किया। उन्होंने कहा, ये आश्चर्य का आनंदित समय है जैसा कि हमने अभी अभी देखा था। यही मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक महसूस करें। ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करने के मामले में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने उत्तर रेलवे से माफी मांगी है। इस पर सफाई देते एक्टर ने कहा कि बस यूं ही बैठ गया था। साथ ही एक्टर ने रेलवे का शुक्रिया भी कहा। सोनू सूद ने रेलवे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, क्षमा प्रार्थी, बस यूं ही बैठ गया था। देख लें कैसा महसूस करते होंगे वो लाखों गरीब जिनकी जिंदगी अभी भी ट्रेन के दरवाजों पर गुजरती है। दरअसल सोनू सूद ने 13 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेन से एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सोनू सूद तेज रफ्तार में चलती हुई ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करते नजर आए थे। उनके इस वीडियो को उत्तर रेलवे ने रिएक्ट करते हुए एक्टर को फटकार लगाई थी।